और अब आतंक के मुंह पर तमाचा मारने वाली खबर दिखाते हैं आपको। कश्मीर के कुछ युवकों को बरगलाकर आतंकी ले तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके परिवार का क्या होता है, ये रिपोर्ट देखिए। अनंतनाग में आतंकी बेटे से घर लौट आने की फरियाद करने वाले माता पिता का वीडियो वायरल हो रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर कश्मीर घाटी के दो वायरल वीडियो हैं। पहली तस्वीर अनंतनाग के एक बूढ़े माँ बाप की है, जो अपने बच्चे को आतंक का रास्ता छोड़कर घर वापस लौटने की गुहार लगा रहा है। दूसरा वायरल वीडियो अपुष्ट है। इस वीडियो में सेना के दो जवान परिवार वालों को समझा रहे हैं कि अपने लाडले को हथियार डालने पर मजबूर करें, लेकिन वो उसे घर वापस लाना नहीं चाहते। यानी एक परिवार अपने बेटे को आतंक का रास्ता छोड़कर वापस बुला रहा है और दूसरा परिवार आतंक के रास्ते को जिहाद का रास्ता बताकर उसे मरने और बेगुनाह लोगों को मारने के लिए छोड़ रहा है। तो हम आपको बुलाएंगे ताकि आप बोलो कि भाई हथियार फेंक के आ जा, सरेंडर कर दे। हम तो नहीं बोलेंगे उनको सरेंडर करने के। नहीं बोलोगे? अगर वो घर जिंदा वापस आ जाए तो मैं खुद उनको शहीद करूंगा। दावा किया जा रहा है कि ईद से पहले वीडियो रिकॉर्ड किया गया जो अब वायरल हुआ। जिस आतंकी के लौटने के लिए माँ बाप फरियाद कर रहे हैं, वो आतंकी रोशन जमीर अनंतनाग के बिजबेहारा का रहने वाला है। आतंकी रोशन जमीर जेसीबी ऑपरेटर का काम करता था। कुछ महीनों पहले ही वो आतंकी संगठन में शामिल हुआ, उसकी पुष्टि अनंतनाग पुलिस ने की। पिछले साल उसका चचेरा भाई आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। दावा है कि उसके कहने पर ही रोशन आतंकी बना है। आतंक के खिलाफ सेना की कार्रवाई देखकर रास्ते से भटके युवाओं को लौटने की उम्मीद न सिर्फ घरवाले कर रहे हैं, बल्कि सेना भी यही चाहती है। अब जो सही रास्ते पर नहीं लौटा, उसके अंत की तैयारी सेना कर रही है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।